कनेक्टिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। रिकॉर्डिंग पहले ही होने लग गई वो, ऑटोमेटिक करा के तू मान ले, बस दबाव ना बस। ये रिकॉर्डिंग वाला कड़ा है, रिकॉर्डिंग वाला नीचे देख, ऑन आ रही है पापा पहले, नीचे को नहीं, ग्रीन शेयर स्क्रीन के साइड पर, शेयर स्क्रीन पे ये देख स्टार्ट हो रही है पहले से, ये फिर हाँ ठीक हूँ, ऑटोमेटिक हो है ना रिकॉर्डिंग। पास करूँ? पास कर। अब एक बार तू लगा के देख लेते लेते आवाज आओ, कौन पूछ ले मुझे, वो देख किचन में पूछ ले, आज आज तो लाइट कौन की बात है ना, है पूरी है, मैं आटू हूँ, लाइट पूरी आओ। हाय मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है रमनी मैडम? आ रही है? मेरे को नहीं आ रही, वो एक कर मेरे को नहीं आ रही, आवाज बढ़ा ले इसके, वो तो नहीं कर रखी, ऑफ कर रखी है। रुक बस ऊपर ना करें, आई है थोड़ी, इस ते वॉल्यूम बढ़ा रहा थी। ये तो है, रमनी बोलो कुछ, रमनी की आवाज आई, रमनी गुड मॉर्निंग। हाँ रमनी आपका वो अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर, प्रदीप कुमार। गुड मॉर्निंग सर, प्रदीप कुमार। मॉर्निंग करम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। हाँ करम सर, कैसे हो? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया। अच्छी जॉब चल रही है आपकी भी, अच्छे अच्छे न्यूज लगाते हो। थैंक यू। एक बार तू ऑफ करके कर, मैं करूँ इसने पूरा ना। हाँ एक बार मैं ले। आ रही है आवाज तो? मेरे को इसमें नहीं आ रही, इसमें कोई इशू आ रहा है, मैं थोड़ा करके देखता हूँ। और शायद आ रहा था, अभी बोलो प्रदीप। हाँ सर, अभी आ रही है सर। आप हेलो। हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं तो उसमें भी आओ थी, उसमें भी आओ। आपकी तो क्लियर आ रही है सर। अच्छा ठीक है, फिर कोई ई वो है कनेक्टिव, ठीक रहा है। गुड मॉर्निंग सर, विश्वदीप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश्व। ठीक है ठीक है, रहने दे, इस पे बोल लूँ कोई हटा हटा कर, इसको पोस्ट बना दूंगा। तो अपन और सुना ही दिया, ठीक है। तो इसमें कौन हुआ तो उसमें भी होगा, सारी ठीक थी। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। धारवाड़ से कर्नाटक सर। ओके ओके ओके, वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड गुड मॉर्निंग सर, राजवीर दिल्ली से। राजवीर वेलकम भाई, वेलकम, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर, नेवरनाथ का तेलंगाना आयु निगे तुकराम सर को फोन करे। ಕುಡಿಯ
ಅಯ್ಯ ಹೇಳಂಗೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀರ ಮರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ कुलदीप आ गए ओके कुलदीप आपकी वेट कर रहा था ले फोन कोड बरा ओके ले शुभम चल ये चल रहा कौन बेरा ने क्यों कौन चल रहा तू देख इसमें चला रहा हूँ कुस्तिया हंगे मुंदे बंदर नोड़ा मेन राजीव वेलकम भाई वेलकम गुड मॉर्निंग सर राकेश चंडीगढ़ राकेश वेलकम गुड मॉर्निंग सर अनिल एसएससीबी मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग दीपक सर दीपक वेलकम एक दबा ये यून की ये जो रही ज्वाइन पेयर्ड हो रहे हैं कर कनेक्ट हो रखे हैं कर तो कभी कर सर गुड मॉर्निंग सर प्रवीण वेलकम भाई मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर वजीर सिंह वजीर वेलकम गुड मॉर्निंग सर अश्विन मॉर्निंग अश्विन ओके नमस्ते जी नमस्ते अकड़े ಬರ್ತಿರ್ತನ ಈಗ ನೋಡಿ ನಂದೆಲ್ಲಿಗ कुलदीप आपका ज्वाइन हो गया आपको हो गए हो गया सर मेरी आवाज चल रही है हेलो मेरी आवाज सही आ रही है सर हाँ बस ठीक है बढ़िया बस जो ऐसे गुड मॉर्निंग कुलदीप को साहब गुड मॉर्निंग हेलो मैं कुछ शेयर कर देता हूँ बंद कर देंगे कल की क्लास का मैं शेयर कर देता हूँ आपको स्क्रीन दिख रहा है ना यस सर कल की क्लास में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कल 10 बजे आपका टॉपिक क्या रहेगा ये सब तो नोट कर लो प्लीज वेरी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुलदीप सर
मॉर्निंग मॉर्निंग मैं आ रहा हूँ कुलदीप से बात करो कुलदीप बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे क्लास कुलदीप सर गुड मॉर्निंग थैंक यू भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग लीलागर पालीवाल सर गुड मॉर्निंग कुलदीप कोचा गुड मॉर्निंग राजवीर दिल्ली से मॉर्निंग राजवीर कोचा राम राम गुड मॉर्निंग कोचा मिसिंग हाँ कश्मीर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कोचा प्रदीप कुमार इशारती मॉर्निंग प्रदीप कोचा नमस्ते जी मनोज नमस्ते मनोज अरे सभी को नमस्ते गुड मॉर्निंग राम राम सबको गुड मॉर्निंग सर हाँ सर आए सर ओके सर थैंक यू सर थैंक हाय धीरज राम राम भैया कैसे हो बढ़िया नमस्ते गुड मॉर्निंग कुलदीप साहब गुड मॉर्निंग मॉर्निंग भाई ठीक है पुनिया राम राम सारे नहीं दिख रहे स्क्रीन पर नमस्कार सर विष्णु रेसलिंग कोच हिसार हरियाणा नमस्कार भाई नमस्कार नमस्ते कोच साहब नमस्ते गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर के यादव मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग ओपी सर रुपेंद्र पुणे बोल रहा हूँ सर मॉर्निंग मॉर्निंग सर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग 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 सर मॉर्निंग मॉर्निंग अनिल कुमार एसएसबी से सर एसएसबी वेरी गुड Choose from 150 plus specialized programs in our university at quality grade 1. Not only do UPE is not basic for training today, but I want to take a life insurance policy. I visited the LIC website. It's so user friendly. And choose a policy, take a premium payment. No, not. Why would I spend this? ये थोड़ा देख लो भाई हमने थोड़ा इसमें मेरे अपने स्टूडेंट्स ने याद दिलाया कि सर मिसिंग है इसमें कुछ तो दोबारा से मैंने चेक किया तो गुड मॉर्निंग सर ये स्लाइड है ना सर राठी
इसमें मिस राठी वेलकम इसमें एन था बेटा रे तो ये कल वो वीडियो भी थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा था सर। अच्छा वीडियो की मैं कोई सोल्यूशन निकालूंगा मैं है ना ये आपका खत्म हो जाएगा ना एजुकेशन प्रोग्राम तो हाँ जी तो यूट्यूब पे डाल दूंगा वो थोड़ा बड़ा है व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा तो उसको है ना लिंक दे दूंगा एक बता दूंगा उसमें आप उसको देख सकते हैं। ठीक है सर तो आई एम सॉरी उसके लिए हम करेंगे कोशिश कुछ। ठीक है सर ठीक है आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग ऑफिसर मॉर्निंग ज्वाइन कर गुड मॉर्निंग ऑफिसर सर रणवीर सिंह राहल महाराष्ट्र से। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग राहुल आया है सर बस। गुड मॉर्निंग सर राजेश जी सर सर से राजेश जी मॉर्निंग सर बालकर हां वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग को साहब कश्मीर से वेलकम। गुड मॉर्निंग को साहब जिंदाबाद राजस्थान। मॉर्निंग 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 सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। भिवानी भिवानी से सर बस बस आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे ये उसके ऊपर WFI के प्रेसिडेंट के भी सिग्नेचर होंगे तो ये कैसा मैकेनिज्म बनाएंगे कुछ कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाए सभी कोचिज की आप डिपार्टमेंट से भी मांग सकते हैं भाई हरियाणा वाले कोचिज के हो या रिसर्च की कोचिज की लिस्ट दे दो ऐसे अनिल खोकर। हाँ अनिल वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये मैंने एक स्लाइड डाल दिया है जो हमने कल डिस्कशन की थी न्यूरल पार्ट्स की कोशिश करेंगे अरे एक बार थोड़ा सा बना के आपको दे दूं तो अपने वार्म अप में डाल। मॉर्निंग टू ऑल। मैं एक बार अनम्यूट करूं आपको पास मेरा कर दिया है। तुम लोग मुझे खेलने का पुस्ता ज्वाइन करो ज्वाइन करो सेवर्स कम जी। नमस्कार 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 इंद्र सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। काम लगा के बोलो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर।
टाइम हो गया अभी शुरू करेंगे बस। गुड मॉर्निंग सर, रघुवीर सिंह। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, ज्वाइन करो और थोड़ा जल्दी ज्वाइन करो, मैं बात शुरू करता हूँ थोड़ा सा। मॉर्निंग सर, मंगेश डोंगरे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग। मैं आपका भी आवाज म्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, रेसलिंग कोच पुरस्कार गुजरात। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आपकी आवाज मैंने म्यूट कर दिया है। कुलदीप को म्यूट कर देता हूँ। कुलदीप आप बोल सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बातें मैं पीछे वाले के बारे में बात करूं, इतने और ज्वाइन करते हैं। लेट अदर्स ज्वाइन नो बाय द टाइम अ लिटिल टॉक अबाउट यस्टरडेज कंटेंट्स। देखिए, हमने बताया था कि न्यूरल पाथ्स को आप उसमें जरूर डालें अपने वार्म अप में, और हर गेम का वार्म अप है ना, चाहे वो गोल्फ का क्यों ना हो। गोल्फ भी हिट करने से पहले कई बार स्टिक को अपने को क्लब को उसको स्विंग कराता है, ड्रिबल करके देखता है बास्केटबॉल का प्लेयर। हर अपने जो इवेंट होना होता है उसको रिहर्स करते हैं। हम पूरी रेसलिंग को रिहर्स नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मूवमेंट्स जो हैं हमने वार्म में डालने चाहिए, जिससे पूरी रेसलिंग कवर हो जाए। इसलिए ये न्यूरल पाथ्स को आपने वार्म अप में जरूर डालना है। इससे आपके रेसलर्स में टेक्नो टेक्टिकल फैक्टर का एरिया बढ़ जाएगा, ब्रॉडर एरिया हो जाएगा उसका रेसलर का, और उससे वो ज्यादा रेसलिंग उसके पास आ जाएगी। यू कैन लर्न टेक्निक्स इजीली एंड ही विल बी और शी विल बी हैविंग वाइडर रेसलिंग, मींस ज्यादा रेसलिंग उसके पास हो जाएगी अगर ये न्यूरल पाथ्स वो वार्म अप में करता है। दूसरा इसका ये भी फायदा रहता है कि ये हमारे रिफ्लेक्स पे आ जाते हैं, और फिर आपको कोच को चिल्ला के बोलना नहीं पड़ता पांव से बचो, अब इस चीज से बचो या अब अटैक के लिए जाओ। ऑलरेडी आपके रिफ्लेक्स पे हैं ये चीजें, आप इमीडिएटली उसको अप्लाई कर सकते हैं, सोचने की नहीं होती है। जब मैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलूं तो इसका मायना ये होता है अनथिंकिंग एक्शन, यानी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती उनको लगाने में। तो इसलिए हमने कुछ न्यूरल पाथ्स बनाए। वर्ल्ड के अंदर कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर इनको एक मेन टास्क में सेशंस में करवाते हैं इन मूवमेंट्स को, लेकिन हमने इसको वार्म अप में डाल दिया ताकि एकदम से हमारे बच्चों के हमारे रेसलर्स के मूवमेंट्स वाइडर हो जाएं, उनके पास ज्यादा रेसलिंग हो जाए। क्योंकि आज रेसलिंग बढ़ रही है, रेसलिंग ज्यादा स्टांस इंटरचेंज हो रहे हैं। पहली वाली बात नहीं है कि एक ही स्टांस में आप पूरा रेसलिंग लड़े या जम के लड़े और समथिंग समथिंग, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अब हमने इनको डाला है, और ये सारा एक डेढ़ मिनट का काम है, लेकिन ये करने से पहले उसको सही मूवमेंट सीखना जरूरी है। गलत सीख गया तो फिर वो उसका गलत ही उसका अडेप्टेशन हो जाएगा। तो पहले इसको सिखाएं, एक मीजो साइकिल काफी है, 4 से 6 वीक उसको सिखाएं बच्चों को। नए बच्चे आए पहले उनको सिखाओ, फिर उनको वार्म अप, ये आपका हो जाएगा। मैं स्क्रीन पे लगातार इसको बना के इसलिए रख रहा हूँ तो ताकि आप इसको एक बार, पहले जो स्क्रीन में मैंने दिखाया किया था आप लोगों से वो इतना इसमें कुछ रह गए थे कुछ पॉइंट्स, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अपडेट करके डाल दिया। और नेक्स्ट जब क्लास होगा तो उसमें हम ग्रीको रोमन
का जो सेटअप है वार्म अप का वो हम करेंगे। तो जस्ट मैं थोड़े से एक्शन में लाइट ऑफ कराता हूँ, मैं आता हूँ करेंगे अपना कुलदीप। मैं स्क्रीन पे इसको उठा देता हूँ। ओके, शुरू करें आज की बात, हाथ उठाओ से शुरू कर देते हैं। ओके भाई, आपको सभी का वेलकम है। कुछ सारे अभी ज्वाइन कर रहे हैं और भी आ रहे हैं, आना चाहिए सभी को। और फ्रूटफुल टॉक रहती है हमारी, और कोशिश करके आते हैं हम आपसे शेयर करने के लिए कोई चीज आते हैं। तो आज आपसे टॉक करेंगे अपने कुलदीप को। आपको पहले भी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है ग्रीको रोमन रेसलिंग का, चीफ कोच रहे हैं हमारे टीम के, और अभी भी नेशनल कोच हैं। अपने टाइम में खिलाड़ी भी बहुत अच्छे रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पर डिप्लोमा में। और उसके साथ ओलंपिक्स अच्छे अच्छे कंपटीशन, बड़े बड़े कंपटीशन का एक्सपीरियंस है। तो आज ये बात करेंगे रोल ऑफ बायोमोटर्स इन ग्रीको रोमन। यू सी जो हमारा खेल है रेसलिंग है, रेसलिंग इज ए मल्टी फैक्टोरियल स्पोर्ट, यानी रेसलिंग के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। सारे फैक्टर्स कौन से ज्यादा अहमियत देनी है, किसमें इन्वेस्ट ज्यादा करना है, ये कोच का काम है। मोटे तौर पर हमने टेक्टिकल फैक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हर खेल में होता है, हमारे में भी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन टेक्नो टेक्टिकल फैक्टर को या विनिंग कॉम्बिनेशंस को या आपने जितनी टेक्निक सीखी है उसके सेटअप को मैट पे दिखाने के लिए ना बायोमोटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है हमें। सपोज मेरे पास टेक्निक्स बहुत है लेकिन मेरे पास बायोमोटर्स नहीं है मेरा सपोर्ट करने के लिए, तो मैं नहीं दिखा सकता अपना वर्क। इसलिए रेसलिंग में बायोमोटर्स के रोल को अंडरमाइन नहीं कर सकते आप, खासतौर पे ग्रीको रोमन में अंडरमाइन नहीं कर सकते आप। वो एक फैक्टर आपको बनाना ही पड़ेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी आपको बायोमोटर्स में। तो रिसर्च बोल रही है, सपोर्ट कर रही है कि भाई बायोमोटर्स का रोल, कोई बोल रहा है पहले 40-60 था और अभी मैं बता दूं आपको इंपोर्टेंट बात एक कि जब रूल चेंज होते हैं ना तो इनका फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन भी बदलता रहता है। कि रूल चेंज होने से बायोमोटर्स का ज्यादा हो गया है या टेक्नो टेक्टिकल का ज्यादा हो गया है, मैट की फिटनेस ज्यादा चाहिए या ये सारी बातें कुलदीप करेंगे, मैं नहीं करना चाहता इसमें ज्यादा। इतना ही मैं कहूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको सब अटेंड करें क्योंकि टेक्नो टेक्निकल के बाद एकदम से बायो मोटर फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट, इसका बायोमोटर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अलोंग विद साइकोलॉजिकल स्टफ। और ये वो कुलदीप डिटेल से आपसे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे और कोई क्वेश्चंस हम दोनों से ही कर सकते हैं आप। तो मैं कुलदीप को हैंड ओवर करता हूँ। कुलदीप प्लीज स्टार्ट योर टॉक। थैंक यू सर। जैसा अभी कोच साहब ने बताया कि हमारा गेम कॉम्प्लेक्स रेसलिंग कॉम्प्लेक्स गेम है, एक साइक्लिक गेम है, डायनेमिक स्पोर्ट्स अपना। तो इसमें टॉप परफॉर्मेंस के लिए जो मोटर एबिलिटी है, सभी मोटर एबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इनको एक ऑप्टिमम लेवल से हाई लेवल तक होना जरूरी है, तभी हम एक अच्छे रेसलर बन सकते,
और टॉप लेवल पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो कुश्ती में कोई भी एक्टिविटी या मूव्स के लिए इन एक्टिविटी का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, तभी हम वो एक्टिविटी या वो टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं, उस टेक्निक को लगा सकते हैं या कहीं डिफेंस कर सकते हैं। और ये सब ये एक्टिविटी जैसे ये नहीं, इसको एक रेसलर में ले आने में बहुत, जैसे इसको गेन करने में टाइम लगता है, उसको सारी एबिलिटी इकट्ठी करने में कई कई साल लग जाते हैं। इसलिए हमारा जैसे परफॉर्मेंस रेसलिंग की ये नहीं कि दो साल चार साल गेम करने के बाद, इसको मिनिमम 8-10 साल 12 साल लग जाते हैं टॉप लेवल पर परफॉर्म करने में, और कहीं ज़्यादा भी लग जाते हैं। उसका डिपेंड करता है उसकी एज, अर्ली एज कब उसने स्टार्ट किया है उसके ऊपर। तो एक 20वीं सदी का जो UWW पहले फिला ने एक बेस्ट रेसलर निकाला था UWW, जो भी नया फिला का नया नाम UWW हो गया। फिला ने अलेक्जेंडर मेडवेड, आपने सुना होगा इस रेसलर का नाम, ये 20वीं सदी का बेस्ट रेसलर घोषित किया था। तो इस रेसलर के अनुसार एक रेसलर में वेट लिफ्टर जितनी स्ट्रेंथ, एक्रोबेट जितनी एबिलिटी, एक रनर जितना एंडोरेंस और एक चेस मास्टर जितना टेक्टिकल माइंड इसमें होना चाहिए। तो ये तभी आप एक ऐसे एक हाई लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें एज का भी जैसे इफेक्ट आता है कि 22 साल या 23 साल का कितने उस पर जाकर परफॉर्म करता है। एक रिसर्च है अब तक 1896 से 2004 ओलंपिक तक जितने भी ओलंपिक चैंपियन हुए हैं उनकी जो एवरेज एज है उसके बारे में बता रहा हूँ एक जनरल। उसके लिए ग्रीक रोमन में जो 1896 से 2004 तक जो एवरेज चैंपियन रेसलर की एवरेज एज थी 27.15 ईयर और फ्री स्टाइल में 26.42 ईयर। आज हो सकता है कुछ कम होगी, वो अर्ली जैसे अर्ली रेसलिंग स्टार्ट करता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी अर्ली आ जाती है, लेकिन ये एक एवरेज है। हो सकता है आज 24-25 हो गई हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इतना ही उस पर जाके एक टॉप या ओलंपिक लेवल की परफॉर्मेंस आती है। स्लाइड करता हूँ, स्लाइड दिखा रहे हैं एक बार, स्क्रीन शेयर पे जाओ, शेयर पे दो बार क्लिक करो, दो बार जब आप स्क्रीन शेयर पे जाओगे ना तो नीचे फिर जो खुलेंगे उसमें स्क्रीन शेयर पे जाओ। स्क्रीन पे मारोगे तो वो आएगा, फिर आपका डेस्कटॉप खुल जाएगा, डेस्कटॉप का ऊपर वाला आईपैड का स्टार्टिंग। आराम से कर लो, कोई मैं इतने टाक करता हूँ थोड़ा सा। तो भाई जैसे कुलदीप ने बताया ना कि हम एज का बारे में बता रहे थे कि एवरेज एज कितना, कि इस लगभग इतना टाइम लग जाता है इस एज में, जो ओलंपिक चैंपियन थे उनकी एज बताई इन्होंने। तो इसलिए टू अचीव दैट लेवल इट टेक्स टाइम, वैसे भी 10-12 साल का ट्रेनिंग एज बता रहे हैं अपना टैलेंट एक्सप्लॉइट करने के लिए। टैलेंट को पूरा एक्सप्लॉइट करें ना, इट टेक्स अराउंड 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे आपने वर्क करना पड़ता है, और वो लगभग 10-12 साल लग जाते हैं उसमें इतने करने में। तो एक तो ये रहता है कि आप कि बायोमेटर्स खास तौर पे उसमें टाइम लगता है डेवलप करने में, लेकिन एक ऑर्डर ऑफ बायोमेटर्स वो इम्पोर्टेंट है, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ और इंडोरेंस वगैरह में, कि
कौन से बायोमोटर को सबसे पहले ले लें और कौन से को बाद में ले लें। जैसे हो सकता है कि कुलदीप बताएंगे आपको कि उसमें बायोमोटर्स में स्पीड स्ट्रेंथ इंडोरेंस वगैरह कोऑर्डिनेशन वगैरह है, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन और स्पीड को पहले ले लेना चाहिए। कोई कोई इशू आ रहा है कुलदीप, बोलेंगे कुछ आप? कुलदीप 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 आप कनेक्टेड नहीं है? एक मिनट, कुलदीप आप दोबारा से ज्वाइन कर लो अगर आप एंड हो गया तो। एक मिनट होल्ड करके रखें प्लीज, आप प्लीज वेट करें, मैं एक बार बात करता हूँ उनसे। कोई इशू हो गया होगा, टेक्निकल इशू हो गया होगा, नो प्रॉब्लम, वेट करो आप प्लीज। कुलदीप कोशिश करो, आप वेट करो, भी बने रहो, से बस आएंगे नहीं तो हम बात करेंगे और दूसरे को। हाँ क्या हुआ, आ नहीं रहा? कनेक्टेड तो है आप, आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रही, आपने शायद वो हो गया आपसे डिस्कनेक्ट, दोबारा से ज्वाइन कर लो, आवाज भी नहीं आ रही आपकी, आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। आपका ईमेल भेजा था ना आपने मेरे को, उसमें से निकाल, भाई कोशिश कर रहे हैं कुलदीप थोड़ा सा ज्वाइन करने की, शायद वो हट गए हैं, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, कोई ना, ये टेक्निकल ग्लिच आ सकती है इसमें ना, मोर ओवर हमारा ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का। कुलदीप दोबारा ज्वाइन कर रहे, इस टाइम मैं बात कर लेता हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है? यस गुड, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए हमने पहले बात की थी स्टांस के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, कि कईयों के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आए थे, मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं कि सब इसका रेसलिंग स्टार्ट करते हैं तो मिट्टी से या मैट से स्टार्ट करने से भी स्टांस पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से सुने आप प्लीज।
हम अगर आपके रेसलर्स की स्टार्टिंग सैंड रेसलिंग से है तो चांस बन जाते हैं कि आई स्टांस वो डेवलप हो उसके आई स्टांस डेवलप हो उसके सैंड रेसलिंग से आई स्टांस के चांस रहते हैं डेवलप होने के। दूसरी बात, सैंड रेसलिंग से आपका ट्रांसलेटरी मोशन भी कम हो जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कम हो जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक मिनट में आपका लूंगा, मैं किसी का आवाज दे रहा हूं। वो ट्रैक्टर की आवाज आ रही है इसमें, वो कहते थोड़ा क्लास चल रही है। ओके, हम बात कर रहे थे, किसी ने क्वेश्चन किया, वेरी गुड क्वेश्चन, कि सैंड रेसलिंग का सर हमारे स्टांस के ऊपर असर पड़ता है क्या। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बाहर ट्रैक्टर की आवाज आ रही होगी। तो सैंड रेसलिंग से आपका ट्रांसलेटरी मोशन, जब मैं बोल रहा हूं आपको, आपका उसका मायने ये है कि पूरी बॉडी का मूवमेंट, लोकोमोटिव मूवमेंट, जगह छोड़ना, यानी मैट के ऊपर हैं तो आप एक जगह छोड़ के और मोशन करें वो नहीं, जगह छोड़ते रहें लगातार, वो आज की रेसलिंग की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये मोशन भी मिट्टी की रेसलिंग से कम हो जाता है। तो बच्चे का स्टार्टिंग अगर मैट से हो तो उसका वर्सेटाइल स्टांस बनेगा, उसमें वर्सेटिलिटी होगी, यानी वो आसानी से एक स्टांस से दूसरे में शिफ्ट कर पाएगा। वो टाइम नहीं है, आई रिपीट, सम ऑफ द पीपल माइट बी फीलिंग दिस, इफ यू स्टार्ट योर रेसलिंग फ्रॉम द सैंड you are likely to develop high stance. Same time, you cannot develop translative motion if you start from sand. Therefore, wrestlers should start their wrestling from the mat. Mat se aapko start karna chahiye. Starting aapka अगर सैंड रेसलिंग से है तो क्वाइट पॉसिबल कि आप स्टांस के मामले में और मोशन के मामले में मार खा सकते हैं। ऐसा नहीं आप एग्जांपल दे सकते सर, फलां रेसलर था उसने उससे शुरू की थी तो वो बात नहीं कर रहा मैं। ये हो सकता है कि उसके दूसरे फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो और अगर वो मैट से स्टार्ट करते तो हो सकता और भी ज्यादा परफॉर्मेंस आ जाए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। देयरफॉर स्टांस के ऊपर सैंड रेसलिंग का असर पड़ता है दोनों चीज पे, स्टांस के ऊपर भी और मोशन के ऊपर भी। और हमने टेकवे था हमारा एक लेक्चर में, मोशन इज द की, जरूरी है बहुत, मोशन का होना बहुत जरूरी है। अब एक यहां और इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, प्लीज लिसन केयरफुली, कि अगर आपकी टेक्निक्स, टेक्नो टेक्टिकल कॉम्बिनेशन, आपका विनिंग कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, आपकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डेवलप होनी चाहिए।
विनिंग कॉम्बिनेशन मतलब जिसके सहारे आप ज्यादातर कुश्ती जीतते हैं, ज्यादातर कुश्ती जीतते हैं, वो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन आता है। तो विनिंग कॉम्बिनेशन हमेशा मोशन से निकलना चाहिए। योर विनिंग कॉम्बिनेशन शुड ओरिजिनेट फ्रॉम मोशन, योर सक्सेस रेट विल बी हायर, आपका ज्यादा सक्सेस रेट होगा। अपने रेसलर्स को जब टेक्निक सिखाते हैं तो उसको रनिंग बाउट में टेक्निक प्रैक्टिस कराना चाहिए, और टेक्निक ट्रेनिंग कराते हैं तब भी। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, वेरी गुड क्वेश्चन, कि मेरे को ध्यान आ गया अभी, मैं अभी क्योंकि क्लास हमारी डिस्कशन से जा रही है, तो कि सर टेक्निक ट्रेनिंग और टेक्निक प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है। हम बहुत बोल चुके हैं इसके ऊपर, ट्रेनिंग हमेशा सीखी हुई चीज की होती है जिसमें आप बिल्कुल आपके रिफ्लेक्स पे आ गए, उसमें नई सीखने की गुंजाइश नहीं है, रिफ्लेक्स पे आ गए। अगर आप टेक्निक्स को अगेंस्ट टाइम करवाते हैं, जैसे मैं बोलूं, जैसे मेरे पास नेशनल टीम है, टीम ले रहा हूं मैं, मैंने आज टेक्निक ट्रेनिंग करानी, मैट पे मैं गया, आई वेंट ऑन द मैच, आई आस्क अवर रेसलर इंडिविजुअली, आपकी टेक्निक कौन सी है विनिंग का, मैं ऐसा क्लास जाएंगे, आपका डबल लेग है सर, आपका ड्रैग है सर, आपका एंकल है सर, उसको बोल दिया। जब सब पेयर बन गए, सबको बोल दिया किसने कौन सा लगाना है, तब मैं बोलूंगा कि आपने यू हैव टू रिपीट योर विनिंग कॉम्बिनेशन इन 20 सेकेंड और 10 सेकेंड और 30 सेकेंड और 40 सेकेंड। जब मैं विसल बजाऊंगा या गो बोलूंगा, उसके ऊपर जब आप बिना सोचे समझे लगातार धार 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 टेक्निक लगाएंगे और एकदम से उठेंगे 30 सेकेंड स्टॉप, 20 सेकेंड स्टॉप, हाँ आप आउट ऑफ ब्रीदिंग है, आपने अगेंस्ट टाइम टेक्निक अप्लीकेशन किया, उसको बोलते हैं टेक्निक ट्रेनिंग। और रिफ्लेक्स पे लेके आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले, उसको बोलते हैं ऑटोमेटाइज, आपने पढ़ा होगा जैसे डिप्लोमा में, आप ऑटोमेटाइजेशन करना है। जब तक कोई चीज ऑटोमेटाइज नहीं हो जाती, टेक्निक ट्रेनिंग या ट्रेनिंग उस पर्सपेक्टिव करा ही नहीं सकते आप। तो जब आप इस तरीके से मैट पे करा रहे हैं तो आप करा रहे हैं ट्रेनिंग, टेक्निक ट्रेनिंग। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई आप आज हम इंडिविजुअल टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे या ग्रुप प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप प्रैक्टिस और इंडिविजुअल का भी फर्क महसूस होना चाहिए हमें, हमें जानना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड। इफ आई से कि चलो सभी बच्चे डबल लेग करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप प्रैक्टिस होगी। यहां ये बात मैं आप कोचिस को शेयर करना चाहता हूं, हम सब कोचिस को ये रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि नेशनल कैंप में ग्रुप प्रैक्टिस बहुत कम होती है, कम होनी चाहिए, वहां पर इंडिविजुअल होनी चाहिए, वहां पर इंडिविजुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि ग्रुप में कराएंगे, आपने सपोज बोला कि एंकल डाई करना है या नी स्पिन करना है, चलो सभी लोग नी स्पिन करेंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं नी स्पिन उसके रिफ्लेक्स पे है नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, उसका टाइम वेस्ट हो रहा। देखिए आप कितनी कोशिश करें, मैं आज ये नई टेक्निक सिखा दिया, कोच इंथुजियाज्म में आउट ऑफ इंथुजियाज्म दे टीच न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्निकल होल्ड्स। जब नए टेक्निकल होल्ड में कैंप लेवल पे जिसका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, ट्रेनिंग एज जिसकी 8 साल 7 साल 10 साल 11 साल हो गई है, उसको मैं टीचिंग की कोशिश कर रहा हूं, तो आई एम नॉट अ गुड कोच, कोचिंग कर सकता हूं, आई एम नॉट अ गुड कोच।
अगर मैं बोलूं सभी यही करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, सभी को सेम करवा रहा हूं, आई एम नॉट ए गुड कोच। जब जो टेक्निक रिफ्लेक्स पे आ जाती है, जैसे ही विसल बजेगी, ट्रायल होगी, सभी बच्चों ने वही करना है जो उनके रिफ्लेक्स लेवल पे 8-10 साल से है। 8-10 साल की छोड़ो आप हम कोचिज बन गए। आप आज मैं आपकी बाउट कराऊं, आज सुजीत मान को, योगेश सॉरी अपना योगेश नाथ है इज एक्टिव रेसलर सॉरी कोच बन गए, जो सुजीत है, दूसरे हैं जगमेंद्र साहब कोच साहब हैं, या दूसरे कोचिज जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जगमाल सर हैं, दूसरे मान सर सभी हैं उनको, या मैं कोचिज की, हाँ एक बढ़िया एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया, कोचिज का अभी एक कंपटीशन हुआ था वेटरन का, इनका सिविल सर्विसेज का आई एम सॉरी सिविल सर्विसेज के जो कंपटीशन हुआ, कुछ ने वही टेक्निक लगाई जो वो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले लगाते थे। बिकॉज जो चीज रिफ्लेक्स पे आ गई है वो बाहर आएगी, जब वो एनवायरमेंट आएगा तो यू कैन नॉट, कोई रेसलर आके, कोई कोच आके बोला मैंने ये टेक्निक लगाई, तो पूछा पहले कौन सी लगाता, यही लगाता था। अभी आप सब लोग, मैं आपकी बाउट कराऊं तो आप वही काम करेंगे जो आप करते, जो आपके रिफ्लेक्स में है, लेकिन रिफ्लेक्स में टेक्निक तो है, ये अबाउट रिफ्लेक्स टेक्निक्स, आई रिपीट सम ऑफ द माय फीलिंग दिस सन, यू हैव बिकम कोच, बट इफ यू स्टार्ट रेसलिंग टुडे, इफ यू गो ऑन द मैट एंड स्टार्ट बाउट, ये प्लीज रन, ये शेयर ना करें, आप शेयर ना करें, मैंने वो चांस दे दिया, ये प्लीज शेयर ना करें, हैं ये स्क्रीन से हटा दो, रणधीर कौन है सो प्लीज हटा दो, प्लीज हटा दो, मैं फिर वो करता हूँ, नहीं तो हाँ थैंक यू। और भी कुछ और आके एक मिनट, एक मिनट फॉलो मारे, ओके कुलदीप नहीं ज्वाइन कर पाए तो मैं एक ऑप्शन कर देता हूँ वहां पर स्क्रीन से, इनका कोई और नहीं कर पाएगा, ओके जस्ट वेट, ओके आप मेरे को तो सुन रहे हैं ना, इज इट ओके, सही गुड ओके। तो हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्स टेक्निक्स की, तो उस पे आ जाए तो आप, हमने स्टार्ट की थी कि टेक्निक ट्रेनिंग और टेक्निक प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है। जब टेक्निक प्रैक्टिस कराते हैं ना, तब कोच की इन्वॉल्वमेंट होती है, कोच इज इन्वॉल्व, वो मैट पे जाते हैं बच्चों के साथ, टेक्निक ऊपर नीचे होते हैं, ट्रेनिंग में नहीं होते, ट्रेनिंग में डिस्टर्ब बीच में नहीं करते, ट्रेनिंग स्टार्ट यू जस्ट गो फॉर, एक मिनट सॉरी, हाँ कुलदीप आपको टेक्निक प्रैक्टिस और टेक्निक ट्रेनिंग में डिफरेंस पता चल गया, कईयों ने पूछा था, प्लीज रेज योर हैंड प्लीज, पता चल गया, यस वेरी गुड, हमके आपको पता भी था लेकिन थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी इस चीज से। नेशनल लेवल पे जो बच्चा हो जाता है, 8-10 साल की ट्रेनिंग एज हो जाती है, व्हेन आई से ट्रेनिंग एज इट मींस कितने साल से वो कर रहा है, कितने साल से वो कर रहा है, दैट इज ट्रेनिंग एज। तो मैं कुलदीप को करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको ट्रेनिंग एज इतनी होने के बाद जब आप मैट पे उनको लेके आते हैं तो ट्रेनिंग का रोल ज्यादा रहता है उसका। हेलो कुलदीप ज्वाइन हो गया, आप बोल सकते हैं ना अभी, तो स्क्रीन शेयर कर लेंगे, मैं करूं okay. एक मिनट रुको, फिर मैं वो ऑप्शन हटा देता, एक मिनट हाँ एक मिनट करता हूँ।
कुलदीप आ गए वापस, अब ज्वाइन कर रहे हैं। कुलदीप बोलो सेवा सर। सर वो ज्वाइन कर ले। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके गुड कुलदीप, मैं म्यूट हो जाता, अभी आप बोलेंगे बस हैं, मैं म्यूट हो रहा हूँ, बोलो। कहाँ तक हो गया था सर, यो ज्वाइन किया तब चले गया था क्या मेरा वीडियो? आप है ना शेयर कर दो, जो स्टार्ट कर रहे थे ना वहीं से, वहीं तक स्टार्ट ही हुआ। हाँ। अभी तो स्क्रीन शेयर करोगे ना? अब कर तो रहा हूं सर, ये आपने ऑप्शन खुला रखा है ना? हाँ खोल रखा है। आपको मैं आ रहा है, देखो आ रहा है। आ गया सर। हाँ बस अब आप है ना। हाँ यस गुड, यस वेरी गुड। तो कहां तक? स्टार्ट से ही रह गया था ना सर? हाँ स्टार्ट से ही करो कुलदीप, स्टार्ट से ही हो गया। तो ये नहीं, वो जो टॉकिंग थी वो तो होली थी ना, वो तो सबने सुनी थी। हाँ सबने सुन लिया, सबने सुन लिया था आपका टॉकिंग, सबसे सुन लिया था जब आपने शेयर। yes. तब हम चले गए। yes, okay. अभी है सर, कनेक्ट है, सब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है हमारे को, सब दिख रहा है। पूरा करो तो पूरा कर लो, ये भी दिख रहा है हमारे को। अगर पूरे स्लाइड में करना चाहते हो तो पूरे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है हमारे को। मैं म्यूट हो जाता हूँ, अभी आप बोलेंगे सिर्फ, ठीक है? नहीं सर, म्यूट मत हो, दो आदमी का। ओके 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 चलो ठीक है, बोलो। तो हम बात कर रहे थे एबिलिटीज की, तो फर्स्ट जैसे स्ट्रेंथ का रोल क्या है, ये तो हम जैसे कवर कर चुके हैं रेसलिंग, या एबिलिटी क्या क्या है, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, रोल ऑफ स्ट्रेंथ इन ग्रीको रोमन रेसलिंग। ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल सभी में जैसे स्ट्रेंथ का मेन रोल है, लेकिन ग्रीको रोमन जैसे ये जो एरिया ऑफ स्कोरिंग है ग्रीको रोमन में वो कम होता है, उसका एक लिमिटेड एरिया है, तो उसके लिए उस एरिया में स्कोर करने के लिए रेसलर को अपोनेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप स्कोर कर सकते हैं। और उसके साथ जो टेक्निकल टैक्टिकल कम्बिनेशन है वो तो है ही, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर अपर जो बॉडी है उसमें, तो उसमें अटैक, डिफेंस, काउंटर अटैक, एक्सप्लोसिव एक्शन, थ्रो और लिफ्टिंग टेक्निक एंड टू रेजिस्ट ग्राउंड होल्ड, तो इसमें स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन स्पीड, रोल ऑफ स्पीड टू रिएक्ट अगेंस्ट अपोनेंट एक्शन, अपोनेंट के एक्शन के साथ रिएक्शन करने में, क्विक मूव करने में, अटैक करने में, बैलेंस बनाने में या रिवर्सल में स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारी अटैक के लिए या उसकी में जो एरोबिक एनएरोबिक कैपेसिटी है उसको भी इम्प्रूव करने में स्पीड की एबिलिटी का बहुत रोल है। एंडोरेंस ये एक जनरल फिटनेस के लिए एंडोरेंस जरूरी है, जैसे किसी प्रिपरेशन हम जब करते हैं कोई भी इवेंट या कोई किसी भी एबिलिटी का, तो उसमें पहले एंड्योरेंस रेसलर में होना चाहिए, ये रिकवरी में मदद करता है, फटीग को दूर करता है और जो एनारोबिक कैपेसिटी है उसको डेवलप करने में सहायक रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी का स्पीडी टेक्निक के एग्जीक्यूशन में, बैलेंस बनाने में, स्टेबिलिटी अपोनेंट के अटैक को डाइवर्ट करने में, उसमें उसके अटैक पर अगर डिसबैलेंस होता है रेसलर तो बैलेंस बनाने में फ्लेक्सिबिलिटी का, और ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी का ग्रीको रोमन में बहुत रोल है, जैसे आर्क बनाना है, स्टैंडिंग थ्रो लगानी है या ग्राउंड में डिफेंस करना है, तो वहाँ एक ट्रंक की जो फ्लेक्सिबिलिटी उसका बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे ब्रिजिंग पोजिशन में भी ट्रंक की फ्लेक्सिबिलिटी का रोल है। इंजरी से बचने के लिए कहीं थ्रो लगाते वक्त सही पोजिशन में गिरना, या क्योंकि इसमें वेट बियर थ्रो ज़्यादातर वेट बियर ही होती है, तो वेट बियर उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी का अच्छा मेन योगदान है।
और सारी जो कोऑर्डिनेशन तो सभी एबिलिटीज का कोऑर्डिनेट करने की एक एक्टिविटी है। तो ये कोऑर्डिनेट रिएक्शन एबिलिटी को, क्विकनेस, मूवमेंट एग्जीक्यूशन में, परसेप्शन या सडन जो कोई एक्शन है अपोनेंट का उसको समझने में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। मूवमेंट के कम्बिनेशन बनाने में अपोनेंट के एक्शन को और ज्वाइंट और मसल्स के कोऑर्डिनेशन जो इंजरी को बचाते हैं वो भी इसके लिए कोऑर्डिनेशन का बहुत महत्व है। तो आज जैसे हम ज़्यादा इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि एबिलिटीज तो ये इतने सभी को पता है एबिलिटी रेसलिंग में बिना फिजिकल एबिलिटी के हम रेसलिंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ ग्रीको रोमन पहलवान के जो इसकी विशेषता है उसके ट्रेड्स है नेसेसरी जो जरूरी उसकी विशेषता है वो क्या क्या है उसको करेंगे डिस्कस करेंगे। फुटवर्क जैसे ये यहाँ जैसे वही है कि मिथक है हम लेट स्टार्ट करते हैं ग्रीको रोमन तो फुटवर्क पे कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं सभी या तो हाथ चलाने में खींच मारने में और अगले को थकाने में इन पे ही ज्यादा इनको ही हम ग्रीको रोमन की ज्यादा जो अभी तक इसको ही ज्यादा मानते हैं कि भाई हाँ ऐसे थकाना है पुश करना है सिर्फ इसको ही ग्रीको रोमन मानते हैं। लेकिन ग्रीको रोमन में फुटवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका अगर फुटवर्क अच्छा नहीं है तो आप कोई भी अटैक नहीं लगा। जैसे ग्रीको रोमन में ग्रीको रोमन चेस्ट टू चेस्ट होती है जैसे अकॉर्डिंग टू UWW रूल ग्रीको रोमन चेस्ट टू चेस्ट लड़ी जाती है। तो उसके लिए उसकी स्टेपिंग स्किल होनी बहुत जरूरी है। जैसे यादव सर ने बताया था कि भाई ये स्टांस बताया था ग्रीको रोमन का ये स्टांस तो अच्छे फुटवर्क के लिए एक अच्छे स्टांस की जरूरत होती है। ग्रीको रोमन जैसे हम अगर किसी को थ्रो लगाते हैं तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक जाना पड़ता है स्पेशली थ्रो में। ज्यादातर और भी टेक्निक है लेकिन थ्रो में ज्यादातर उसके तो उसके लिए एक अच्छा फुटवर्क चाहिए स्पीडी फुटवर्क चाहिए। उसको ओपोनेंट को वहां जाकर लिफ्ट करना बैक थ्रो मारना बैक स्टेप लेकर थ्रो मारना तो उसमें एक अच्छे फुटवर्क की जरूरत है तभी आप स्कोर कर सकते हैं या ओपोनेंट के अटैक को मूव के द्वारा उसके अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्लोसिव पावर तो एक रेसलिंग का मेन कंपोनेंट है। हम बिना एक्सप्लोसिव पावर के कोई भी टेक्निक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो एक्सप्लोसिव पावर ग्रीको रोमन के पहलवान में बहुत जरूरी है। वो लेग्स के साथ और हिप्स के साथ और अपर बॉडी के साथ कोई भी टेक्निक एग्जीक्यूट करने उसके क्लोज जाएगा तो फुटवर्क में साथ साथ एक्सप्लोसिव पावर भी रेसलर होनी चाहिए। उसकी लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए लेग्स भी एक्सप्लोसिव होनी चाहिए लिफ्ट के लिए ग्राउंड लिफ्टिंग के लिए स्टैंडिंग लिफ्टिंग के लिए या थ्रो के लिए फुटवर्क के लिए। तो उसकी लेग्स एक्सप्लोसिव होनी चाहिए स्पेशली लिफ्टिंग में जैसे हम आर्क बनाते हैं तो उसमें हिप्स मसल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तभी आप अच्छा आर्क या स्पीडी आर्क बना के थ्रो लगा सकते हैं। और ग्रीको रोमन रेसलर की जो कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए उसका लोअर बैक अच्छा होना चाहिए उसके जो टॉर्सो है धड़ है वो धड़ बहुत ही मजबूत होना चाहिए तभी आप अपोनेंट के जो जैसे होल्ड हैं क्लिंच पोजिशन आ गई तो क्लिंच पोजीशन में भी बैलेंस के लिए या क्लिंच पोजीशन में अटैक के लिए या डिफेंस के लिए उसका धड़का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो जैसे जोन की अगर जोन पे भी अबाउट हो रही है उसमें भी कहीं थ्रो लगानी है तो वहाँ एक उसकी कोर बहुत मजबूत होनी चाहिए तभी आप अच्छा थ्रो या उसको काउंटर अटैक कर सकते हैं। उसका आर्क बनाने की उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए उसका आर्क उस अपोनेंट को थ्रोइंग के टाइम आर्क की जरूरत होती है।
कहीं उसकी दी थोड़ी आवाज बढ़ा सकते हो, थोड़ी आवाज बढ़ाओ किसी का। आ रही सर आवाज। हाँ ठीक, थोड़ा बढ़ा सकता लो, वो किसी का आया क्वेश्चन की में, थोड़ा आवाज बढ़ा लो। आवाज कम आ रही है, ठीक है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा कर लो आप। वेरी गुड। जो थ्रोइंग के लिए बैक आर्क अच्छी होनी चाहिए ग्रीक रोमन के रेसलर की, उसकी ब्रिजिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप अगर उसकी ब्रिजिंग स्किल अच्छी है तो थ्रो अच्छी लगाएगा, उसको कहीं ब्रिज का कहीं डिफेंस में भी रिवर्सल में भी कहीं ब्रिज का रोल रहता है। अगर कहीं डेंजर पोजीशन में जैसे रेसलर फंस जाता है तो वहां से ब्रिज बना कर निकल सकता है। और कहीं कोई जैसे कोई अपर टेक्निक में भी ब्रिज बना के अच्छी टेक्निक लगा सकता है, तो ब्रिजिंग का रोल भी ग्रीक रोमन रेसलिंग में बहुत ज्यादा है। उसकी ब्रिजिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी अपर बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जैसे नेक हमारा पांचवा लिंब भी बोला जाता है, जैसे दो हाथ पैर हो गए तो नेक एक फिफ्थ लिंब होता है बॉडी का, तो नेक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसको कहीं खेमे पोजीशन पे डिफेंस करना है या खेमे पोजीशन पर काउंटर अटैक करना है या ब्रिज पोजीशन पर कहीं डिफेंस करना है, ब्रिज पर जाना, तो उसकी नेक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए रोमन के रेसलर। फिर शोल्डर भी ग्रीक रोमन रेसलर के बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसको होल्ड लेने में, क्लिंच की पोजीशन में, ग्राउंड पोजीशन में, डिफेंस में, लिफ्टिंग में, ग्राउंड पोजीशन की ग्रिप लेने में, तो शोल्डर का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो शोल्डर जितने तगड़े होंगे ये एबिलिटी उसमें रेसलर में उतनी ही अच्छी होंगी। उसके शोल्डर एक्सप्लोसिव होने चाहिए, कहीं जैसे अगर कुश्ती में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत ग्रीक रोमन में बहुत ज्यादा कॉमन सिचुएशन है ये कि स्टैंडिंग स्कोरिंग कई बार कम होता है, तो उसमें जितने एक्सप्लोसिव उसके आर्म्स हैं उतने आर्म्स से कितना उसको अपोनेंट को पैसिव शो कर सकता है। पैसिविटी भी जैसे आज की कुश्ती में पैसिविटी भी एक विनिंग कम्बिनेशन में एक रोल है, कई बार सिर्फ पैसिविटी पॉइंट से ही कुश्ती जीता है, तो ये शोल्डर उसके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्लिंच में भी डिफेंस के टाइम अटैक के टाइम शोल्डर का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके शोल्डर आर्म्स स्पीडी होने चाहिए जो अपोनेंट को डाइवर्ट कर सके, अपोनेंट को कहीं जैसे काफ आर्म पिट में हाथ डालना है, पैसिव शो करना है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके फिंगर ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम थ्रो लगाते हैं तो एक ग्रिप का ही इसमें मेन रोल है, अगर ग्रिप अच्छी नहीं है तो आप अच्छी थ्रो नहीं लगा सकते हो, कहीं थ्रो स्लिप हो सकती है, आप उसमें अपोनेंट स्कोर कर सकता है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी भी का उतना ही ज़्यादा रोल है जितना दूसरी एक्टिविटी का है, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ग्रीक रोमन में उसकी लोअर बैक में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लोअर बैक और शोल्डर में। जो जैसे स्पेशली लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी का ग्राउंड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब आप किसी कोई रेसलर आप भारंदाज का होल्ड लेता है तो या लिफ्टिंग का होल्ड लेता है तो उसमें ग्राउंड की जो उसकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है उसका काफ़ी रोल है। हमारे जैसे एक रेसलर था रविंदर सिंह ढिल्ला, उसकी बैक में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी और उसकी ग्राउंड रेसलिंग बहुत अच्छी थी। अभी भी है हरप्रीत सिंह है जिसकी ग्राउंड रेसलिंग ऐसे वर्ल्ड लेवल की है, तो उसको इस जो लो बैक में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बहुत फायदा है। उसमें ग्रीक रोमन के रेसलर में बैलेंस होना चाहिए, स्पेशली लेग, उसकी लेग्स में अच्छा बैलेंस होना चाहिए जो कि अपोनेंट के एक्शंस को डाइवर्ट कर सके। उसमें क्विकनेस होनी चाहिए, अगर कोई डिसबैलेंस होता है तो जल्दी रिकवर करने की उसमें
क्षमता होनी चाहिए, तभी उसकी जैसे कई एक्शन होते हैं, किसी ने पुश कर दिया, साइड में पुश कर दिया, तो अगर उसमें बैलेंस है तो उसको रिकवर कर लेगा और वहां से काउंटर कर सकता है। मस्कुलर एंडोरेंस, तो एक रेसलर का जो मस्कुलर एंडोरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यू हैंड वर्क बहुत ज्यादा है, फुट वर्क बहुत ज्यादा है, तो अगर जिसका एंडोरेंस है तो उसकी उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा लंबे देर तक काम कर सकता है और अपोनेंट को वॉश आउट उसको कर सकता है, उसको थका सकता है। वो जितने भी हम जैसे एफर्ट लगाते हैं कुश्ती में, जो अटैक के एफर्ट है वो ज्यादा एनारोबिक होते हैं, उनमें एटीपी सीपी या इलेक्ट्रिक और लैक्टिक एनर्जी का ज्यादा यूज होता है, तो उसमें थकावट ज्यादा होती है, तो उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी उसकी मसल्स में ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप अपोनेंट को आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ग्रीक रोमन कुश्ती में अगर रेसलर थक जाता है, उसके हाथ भर जाते हैं, उसको एंडोरेंस आउट हो जाता है, तो वो या तो उसको मैट से बाहर जाके गिरेगा या उसको वहीं स्पोर्ट देना पड़ेगा, वो कुश्ती में रुक नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा स्टॉप कुश्ती होती नहीं और कंटिन्यू हाथ ज्यादा चलते हैं, तो ये इस एंडोरेंस मस्कुलर एंडोरेंस का बहुत ज्यादा रोल है ग्रीक रोमन में। नेक्स्ट, उसके ग्राउंड के मूव्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसमें उसको ग्राउंड रेसलिंग की पूरी सेंस रहनी चाहिए, अपोनेंट कैसे अटैक कर रहा है उसका उसका उसकी डोजिंग उसकी समझ मानी चाहिए, उसके उसको उसके लिफ्टिंग से बचने के लिए मोमेंट आने चाहिए, रोलिंग से बचने के लिए मोमेंट आने चाहिए, उसके फेक मोमेंट जो है उसको उसको समझना चाहिए पहले, तो उसके ग्राउंड मोमेंट डिफेंस के टाइम और ग्राउंड मोमेंट अटैक के टाइम भी उसमें स्पीडी मोमेंट होनी चाहिए, उसकी लिफ्ट पावर अच्छी होनी चाहिए, उसके उसकी डोजिंग स्किल फेक स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिससे अपोनेंट का डोज करके रोलिंग या लिफ्टिंग या दोनों का कम्बिनेशन वो कर सके। उसका रिब्स केस जो होता है, पसलियां बहुत मजबूत होनी चाहिए, जो कि उसकी अपोनेंट की के होल्ड को सहन कर सके, उसका कहीं इंजरी ना हो, इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसका उसके रोलिंग को उसकी लिफ्टिंग को रोक सके, उसका जो धड़ है टॉर्सो वो भी इतना मजबूत होना चाहिए कि उसकी ग्रिप को बियर कर सके, कहीं लिफ्ट और रोलिंग में मूवमेंट कर सके, ग्रिप को तोड़ सके, तो ये इस तरह से बहुत उसका रिप्स केस और उसकी ग्राउंड रेसलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए, टेक्टिकली साउंड स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ स्कोरिंग कम है, अगर आप उससे ज्यादा टेक्निकली साउंड है तभी आप स्कोर कर सकते हैं, उसको फेक मूवमेंट उसको डाइवर्ट करने के उसको स्टेपिंग के द्वारा उसको फेक मूवमेंट करने की इस तरह की टेक्निक उसके पास टेक्टिकल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, और इसका जैसे अपोनेंट का स्टांस कैसा है, कैसे उस पर अटैक हो सकता है, तो ये टैक्टिकल स्किल्स उसके पास रेसलर के पास होनी चाहिए। फिजिकल के साथ साथ कुछ मेंटल विशेषताएं भी हैं, मेंटल ट्रेट्स भी हैं जो एक इनका कुश्ती में अहम योगदान है, उन पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। मेंटल अलर्ट रेडी टू रिएक्ट टाइम, वो हमेशा कुश्ती में जैसे अलर्ट रहना चाहिए, किसी भी कोई भी जैसे खराब सिचुएशन या कोई किसी का अटैक आता है रेसलर का, तो उसके लिए उसको रिएक्ट करना में उसके रेडी रहना चाहिए, अपोनेंट्स के मूव को देखकर रिएक्ट करना, उसके उसके अपने मूव देखना, उसकी जो एग्जीक्यूशन की पोजीशन कैसी है, मैं ये टेक्निक लगा सकता हूँ, इस तरह से उस पर रिएक्ट करना चाहिए।
वो उसको जीत की भूख होनी चाहिए, उसकी विल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यस मैं जीतूंगा। और मैं ये बाउट में जाने से पहले ये उस चीज उसको कॉन्फिडेंस देती है, और उसको कोई टेंशन या पैनिक नहीं होना चाहिए कि मैं कुश्ती कहीं हार जाऊंगा या दूसरी तरह का कोई डर उसके अंदर नहीं आना चाहिए, जो कि उससे हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको इफेक्ट पड़ता है और हम अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। उसका माइंड सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा कि मैं कुछ भी नई चीज सीखने के लिए या उसका माइंड रेडी रहना चाहिए। और जो भी जैसे कोई टेक्निक लगाने गया वो टेक्निक नहीं लगी कोई आता है तो उसका फेलियर उसके लिए उसको जीतना चाहिए, नहीं इस बार नहीं लगी तो मैं अगले बार लगाऊंगा, उसका कहीं भी उस प्रेशर उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। और कुश्ती में आखिरी सेकंड तक उसकी लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, उसका विश्वास होना चाहिए कि लास्ट सेकंड तक मैं जीत सकता हूँ, तभी आप एक अपना मेंटल स्टेटस कुश्ती में बना कर रख सकते हैं। उसके इमोशंस कंट्रोल रखने चाहिए, कोई भी सिचुएशन खराब हो सकती है, कोई टेक्निक आप खा सकते हैं, कोई टेक्निक खा गए स्कोर ओपोनेंट का ज़्यादा हो गया या चला गया, किसी भी सिचुएशन में इमोशनली रेसलर को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और इमोशन नहीं खोना चाहिए, तभी आप उसमें कम अप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, मैच में दोबारा बन सकते हैं। उसका माइंड रिलैक्स रहना चाहिए और जो रूल है कुश्ती का, जैसे कोई विसल रेफरी की विसल, उस पर ध्यान रखना चाहिए। और कुश्ती जैसे टाइम की मैनेजमेंट ये रहनी चाहिए, कितना टाइम हो गया, कितना बच रहा है, उसको सेंस जोन की सेंस भी रहनी चाहिए कि जोन आ गया तो मेरे को टर्निंग करनी है या थ्रो करना है। और अपोनेंट के लिए उसकी स्ट्रेटजी भी रहनी चाहिए कि भी ये अपोनेंट कैसा है और उसका उसकी परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, उसके टेक्निक को उसको पहले भांप लेना चाहिए, तो ये कैपेबिलिटी हो तो बहुत ही अच्छा हो। उसके साथ साथ रेफरी को भी उसको ओबे करना चाहिए, तो रेफरी को भी कैसे वो मैनेज कर सकता है, उसकी उसका विसल के साथ उसकी विसल का रेस्पेक्ट करके रेफरी को ओबे कर सकता है। अब रेसलिंग लवर होना चाहिए, उसको रेसलिंग से प्यार होना चाहिए, जिससे उसको जैसे वो बर्नआउट होने का खतरा कम हो जाएगा, उसमें जो उसके डिजायर है कुश्ती में वो बने रहेंगे। और उसको कोचेबल होना चाहिए, जैसे ये एक लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, उसका ये एक एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को परफॉर्म करना है, मेरे को एक्सेल करना है, मेरे को टॉप परफॉर्म देनी है, तो उसको सीखने की एबिलिटी हो जानी चाहिए और सीखने की एबिलिटी बहुत होनी चाहिए। और उसको जो भी चेंजेज हैं उनके लिए उनको कवर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो हमारे इस टॉपिक का कंक्लूजन है कि एक अच्छे रेसलर को सारी जो मोटर एबिलिटीज हैं वो ऑप्टिमम से हाई लेवल तक चाहिए, तभी आप एक हाई लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे रेसलर बन सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो, हाय सर। हाँ ठीक है, गुड कुलदीप, वेरी गुड, थैंक्स। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन बीच में आ रहा था कुलदीप की, मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, तो आप प्लीज उस पे बोल दें कि यस सर। वो बोल रहे थे कि कुछ सजेस्ट करो, कि वैसे बोल चुके हैं आप पिछले में, तो दुरा दे उन बातों को आप, तो कि इंप्रूव कैसे करें रेसलिंग इंडिया की, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन एक आया था कि जब आप लिफ्ट करते हैं तो
कहाँ से ताकत मिलती है उनकी तो उठाते समय, तो बस दो चीजों पे दो क्वेश्चन थोड़ा। तो लिफ्ट लिफ्टिंग में थाइज हिप्स और बैक सभी का रोल है, सभी का एक कॉम्बिनेशन है, और शोल्डर शोल्डर का क्योंकि ग्रिप का कॉम्बिनेशन है तो ये एक्सप्लोसिव स्टार्ट होता है जैसे फुटवर्क से। फुटवर्क कैसा है लिफ्टिंग में उस पर ज्यादा डिपेंड, अगर स्पीडी है तो आप अपोनेंट को रिएक्ट करने से पहले लिफ्ट कर लेंगे तो लिफ्ट सक्सेस हो जाएगी। इम्प्रूव करने के कुछ बातें आप थोड़ा शेयर कर दो इंडिया में इम्प्रूव करने का कुछ। इंडिया में इम्प्रूव करना तो सर जैसे एक जब रेसलर कोचेज को बेस लेवल पर काम करना चाहिए, हमारा जैसे बेस लेवल पर उतना काम नहीं होता है। और थ्रोइंग एबिलिटी बच्चे को सिखानी चाहिए, अगर वो ज्यादा छोटा है डम्मी के द्वारा क्रैसमेट यूज करके। और मेन है कि जैसे रेसलर ज्यादा दिन फ्री स्टाइल में अगर कुछ चेंज करना है तो जल्दी चेंज करना चाहिए, डायरेक्ट आ सकता है तो बहुत बढ़िया ग्रिप इंप्रूव कर सकते हैं। ओके गुड। एक बात और क्वेश्चन को कुलदीप सर। हाँ तो एक कुलदीप बता रहे थे उसमें लेक्चर में कि इमोशनल थोड़ा सा सही होना चाहिए, मेरे को एग्जांपल याद आ रहा मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। कॉमनवेल्थ गेम थे ना 2010 में, तो अनिल अपने गोल्ड आया था उसके ग्रीको रोमन में, अनिल की बाउट में है ना एक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से थे और इतना ज्यादा वो अग्रेसिव थे और फिजिकल होने की भी उन्होंने कोशिश की ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन इतना कूल रहे ना अनिल, मजा आ गया उस बाउट को देख के मेरे को, इतना कूल रहे उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया कोई, जबकि इंडिया में ही हो रही दिल्ली में हो रही और फिर भी उन्होंने इमोशंस को इतना कंट्रोल करके रखा। तो इमोशनल कंट्रोल भी खास तौर पे मैट पे आप थोड़ा सा ये एक एबिलिटी है सर रेसलर की, इमोशन कंट्रोल करना भी एक एबिलिटी है। हाँ हाँ मैंने बड़ा मजा आया उस बाउट को देख के। तो और क्वेश्चन हो सर कोई पूछ लो, कोई और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो भाई, एक दो क्वेश्चन कोई ले ले फिर बंद करते हैं, टाइम इस टाइम भी हो गया। आप उसमें उन्होंने डाला था ना उसमें डाल सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर का इसमें रहे एक रेज हैंड का सर है नहीं तो नो प्रॉब्लम। तो कंक्लूड करते हैं, कुलदीप की टाक बहुत अच्छी रही, बीच में एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था, नो प्रॉब्लम हमने बहुत अच्छी टाक रही। और जो उन्होंने बोला कि बायोमोटर्स का रोल तो है ही, जैसे मैं बोलता कि अब मेरे में टेक्नो टेक्निकल बहुत अच्छा है साउंड लेकिन मेरे पास बायोमोटर्स तो है नहीं तो मैं कैसे दिखाऊंगा कैसे उसको, तो बायोमोटर्स का रेसलिंग में इम्पोर्टेंस है, कई खेलों में कम है कईयों में ज्यादा है, तो हमारा ज्यादा वालों में आता हमारा खेल कि बायोमोटर्स पे आपने काम करना ही चाहिए। मैं पहले एक एग्जांपल भी दे चुका हूँ आपको, एक सिर्फ मैट की फिटनेस करता है एक रेसलर, एक सिर्फ बायोमोटर्स की करता है, बायोमोटर्स वाले को मैट वाला हरा देगा, लेकिन एक ऐसा रेसलर है बायोमोटर भी करता है और मैट भी करता है वो उन दोनों को हरा देगा, इसका मतलब दोनों पे काम हमने करना चाहिए। इस और कल के लेक्चर थोड़ा मैं बता दूं, कल हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना एस्पेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक में शायद मैंने वही लिखा है कि रेसलर को कैसे आप उसका एनालिसिस कर सकें, शायद यही टॉपिक था इफ आई एम राइट। तो उसके हम डिस्कस करेंगे कि एक कोच को कैसे कोशिश करनी चाहिए कि कोचिंग, जैसे मैंने शुरू से बोल रहा हूँ कोचिंग ट्रेनिंग टीचिंग ये सब चीजें, कोचिंग का एस्पेक्ट हम कल डिस्कस करेंगे कि कोच कौन बन सकता है। जो कल वाली बात हम करेंगे ना वो उन बातों पे जो कोच ध्यान देगा वो कोच अच्छा बन सकता है, नहीं तो टीचर बन सकता है ट्रेनर बन सकता है प्रैक्टिशनर बन सकता है, लेकिन कोच बनने के लिए इस तरीके से हम रेसलिंग की तरफ देखें कौन से प्रिज्म से कौन से स्पेक्ट से हम देखें रेसलिंग को। डिस्कस टुमारो अबाउट हाउ टू एनालाइज योर रेसलर योर ओन रेसलर टू गिव अ बेटर कोचिंग, वी विल डिस्कस टुमारो। Bye guys, thanks for joining सभी को, bye, thank you sir, Kuldeep good, it was very good talk, thank you sir, thank you sir.